नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड तूफान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बदला फिल्म के डे 17 के इंडिया के ओवरसीज के कलेक्शन के बारे में, सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म टोटल धमाल के डे 31 के कलेक्शन के बारे में एवं केसरी फिल्म के डे 3 के कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म टोटल धमाल के बारे में। दोस्तों ये फिल्म रिलीज़ हुई है, 31 दिन हो चुके हैं। इस फिल्म में हमें अजय देवगन के साथ माधुरी मैम, अनिल कपूर, रितेश देशमुख, अरशद वारसी जैसे बहुत सारे कॉमेडी कलाकार देखने को मिले हैं, और इस फिल्म का जो बजट है वो 110 करोड़ बताया जा रहा है। ये एक कॉमेडी फिल्म है और दर्शकों को ये फिल्म बहुत ही पसंद आ रही है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है इंद्र कुमार ने। तो चलिए इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो टोटल धमाल ने 31 दिन में इंडिया में 155 करोड़ का बिजनेस किया है, 155 करोड़, और इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन होता है 233 करोड़। दोस्तों आपको बता दूं कि टोटल धमाल बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हो गई है। अब हम बात करते हैं बॉलीवुड के शहंशाह बिग बी के फिल्म बदला के डे 17 के ओवरसीज कलेक्शन के बारे में। दोस्तों बदला फिल्म को डायरेक्ट किया है सुजय घोष ने, और इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं रेड चिली एंटरटेनमेंट यानी कि शाहरुख खान की कंपनी है, और इस फिल्म में लीड रोल में हमें अमिताभ बच्चन के साथ तापसी पन्नू दिखाई दे रही है। दोस्तों इस फिल्म का जो बजट है वो 25 करोड़ है। तो चलिए दोस्तों इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इस फिल्म ने पहले हफ्ते में इंडिया से 38 करोड़, दूसरे हफ्ते में 29 करोड़ और तीसरे वीकेंड में 2 करोड़ का बिजनेस किया है, यानी कि टोटल धमाल का अब तक का टोटल कलेक्शन होता है 70 करोड़, और इस फिल्म ने ओवरसीज में 22 करोड़ का बिजनेस किया है। इसी के साथ बदला फिल्म का वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन होता है 92 करोड़। दोस्तों आपको बता दूं कि ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हो गई है। दोस्तों अब हम बात करते हैं मेगा स्टार अक्षय कुमार की फिल्म केसरी के डे 3 के कलेक्शन के बारे में। दोस्तों इस फिल्म में हमें अक्षय कुमार के साथ परिणीति चोपड़ा दिखाई दे रही है। ये फिल्म इंडिया में 3600 स्क्रीन में रिलीज हुई है और ओवरसीज में 600 स्क्रीन में, यानी कि इस फिल्म की टोटल स्क्रीन काउंट है 4200 स्क्रीन काउंट, और इस फिल्म का जो बजट है दोस्तों वो 80 करोड़ बताया जा रहा है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनुराग सिंह ने। दोस्तों आपको बता दूं कि केसरी फिल्म बैटल ऑफ सारा ग्रह पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो केसरी फिल्म ने अपने ऑफिशियली पहले दिन 21 करोड़ 50 लाख, दूसरे दिन 16 करोड़ 70 लाख, और डे 3 का जो कलेक्शन आ रहा है दोस्तों वो 24 करोड़ आ रहा है। इसी के साथ केसरी फिल्म का टोटल कलेक्शन होता है इंडिया का 62 करोड़ 50 लाख, और इस फिल्म ने ओवरसीज में अब तक 30 करोड़ का बिजनेस किया है, यानी इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन होता है 92 करोड़। तो दोस्तों ये तीनों फिल्मों में से आपको कौन सी फिल्म पसंद आई हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड तूफान को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर देना।